नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस में। डिजायर यानी चाह यानी इच्छा, ज्यादातर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की ये डिजायर होती है कि डिजायर उनके पार्किंग की शान बढ़ाए। मारुति सुजुकी की स्विफ्ट की सफलता के बाद डिजायर ने भी ऐसी ही सफलता हासिल की। तो चलिए जानते हैं इस कार के बारे में रोचक बातें। इसका प्लेटफॉर्म कौन सा है, इसका इंजन और गियरबॉक्स क्या मारुति सुजुकी खुद बनाती है, क्या डिजायर केवल इंडिया में बिकती है, डिजायर और कौन कौन से देशों में एक्सपोर्ट होती है, और क्या थी वो वजह जिससे मारुति के एम का लोगो सुजुकी के एस में बदल गया, ऐसे कई सारे सवालों का जवाब हम देंगे आपको हमारे आज के वीडियो में। और इसके साथ ही हम मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर का नाइट लुक इंटीरियर और एक्सटीरियर भी दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। सत्तर के दशक में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के लिए लो कॉस्ट लो मेंटेनेंस कार का सपना देखा और कार का नाम चुना गया मारुति। इस कार को डेवलप करने के लिए फियाट, जनरल मोटर्स, वॉक्सवैगन ग्रुप जैसी कई सारी कंपनियों का संपर्क किया गया, लेकिन बात नहीं बन पाई। सपना पूरा हो उससे पहले ही संजय गांधी जी की मृत्यु हो गई। फिर 1981 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना की और सुजुकी मोटर ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर किया। 1991 में मारुति उद्योग लिमिटेड के डिस इन्वेस्टमेंट की वजह से 40% से भी ज्यादा शेयर सुजुकी ने खरीद लिए और मारुति उद्योग लिमिटेड से मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तब से मारुति की सभी कार्स में एम की जगह एस का लोगो यूज होने लगा। 2008 में इंडियन गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक नया रूल लेकर आई। इस रूल के अनुसार 4 मीटर से कम लेंथ वाली कार को 50% तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ये रूल कस्टमर्स के लिए और ऑटोमेकर्स के लिए बेनिफिशियल था। इस टैक्स बेनिफिट स्कीम को अचीव करने के लिए कार की लेंथ 4 मीटर से कम तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर गाड़ी में पेट्रोल इंजन है तो 1200 सीसी से कम होना चाहिए और अगर डीजल इंजन है तो 1500 सीसी से कम होना चाहिए। सबसे पहले इस नए रूल के अंदर बेनिफिट लेने के लिए टाटा मोटर्स ने अपनी मौजूदा इंडिगो को सब 4 मीटर में कन्वर्ट करके उसको मार्केट में इंडिगो CS के नाम से लॉन्च कर दिया। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए मारुति कंपनी ने अपनी मौजूदा कार स्विफ्ट का लॉन्गर वेरियंट स्विफ्ट डिजायर के नाम से 2008 में लॉन्च कर दिया। ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाली बात थी। इसी कारण से मारुति स्विफ्ट डिजायर को इसके पहले किसी और प्लेटफॉर्म पर रिवील नहीं किया गया था। कीमत में टाटा इंडिगो CS से कम और स्विफ्ट की पॉपुलैरिटी की वजह से डिजायर का मार्केट में सक्सेस होना तो तय था, इसीलिए डिजायर आज भी मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाकर बिक रही है। 2008 में मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर के लॉन्चिंग के बाद इसका सेकंड जनरेशन 2012 में लॉन्च किया गया और इसका थर्ड जनरेशन 2017 में लॉन्च किया गया। डिजायर का फर्स्ट जनरेशन मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर के नाम से लॉन्च किया गया था, लेकिन डिजायर नाम इतना फेमस हुआ कि धीरे धीरे उसके सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के आने तक उसका नाम मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर से केवल डिजायर कर दिया गया। मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कोलंबिया में स्विफ्ट सिडान के नाम से बिकती है। इसके अलावा डिजायर एशिया, यूरोप, अफ्रीका के 100 से भी ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट की जाती है। 2020 में BS6 नॉर्म्स के लागू होते ही मारुति ने अपने सभी कारों के वेरिएंट में से डीजल इंजन को बंद कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मारुति 2021 के अंत तक अपनी सभी कार के वेरिएंट में डीजल इंजन को वापस ला सकती है। 2020 की मारुति सुजुकी डिजायर को सुजुकी के डेवलप किए गए हाईटेक प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है। सुजुकी का दावा है कि इस प्लेटफॉर्म में यूज हुए हाई टेंसाइल स्टील और अल्ट्रा टेंसाइल स्टील की मदद से इसकी सेफ्टी को इंक्रीज किया गया है।
इसी हाईटेक प्लेटफॉर्म पर मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो, वेगनार, इग्निस, स्विफ्ट, बलेनो, अर्टिगा, एक्सेल 6 और टोयोटा की ग्लांजा बनती है। तो चलिए अब बात करते हैं मारुति सुजुकी डिजायर के इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में। मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर को 2008 में 1.3 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ और 1.3 लीटर के फियाट के सोर्स डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया गया था। 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने BS4 नॉर्म्स लागू किया, जिसके चलते मारुति ने अपने 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन को सुजुकी के डेवलप 1.2 लीटर के K सीरीज इंजन से रिप्लेस कर दिया गया। डिजायर में K सीरीज का K12M इंजन यूज होता है, जो 66 किलोवाट का पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क क्रिएट करता है। यह इंजन सुजुकी का ही डेवलप किया हुआ है। माइलेज की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 23.26 किलोमीटर पर लीटर और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 24.12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो डिजायर में सुजुकी का डेवलप किया हुआ ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। हालांकि इसका ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक ना होकर एक नॉर्मल AMT ट्रांसमिशन है। मारुति सुजुकी के दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पहला गुरुग्राम में और दूसरा मानेसर में। इसके अलावा एक तीसरा यूनिट भी स्टार्ट हुआ था 2017 में गुजरात के अंदर, लेकिन ये मारुति सुजुकी का ना होकर डायरेक्ट सुजुकी के अंडर में है। अब तक डिजायर का प्रोडक्शन मारुति सुजुकी के मानेसर वाले प्लांट में होता था, लेकिन अभी रिसेंटली अप्रैल 2021 में हमें ये पता चला है कि अब डिजायर का प्रोडक्शन का पूरा लोड गुजरात के प्लांट पर शिफ्ट किया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको अपनी चहेती कार डिजायर की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब इसका नाइट लुक इंटीरियर और एक्सटीरियर भी देख लेते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। VXI मॉडल में प्रॉपर DRL तो नहीं है, लेकिन हेडलाइट में स्मॉल बल्ब को DRL के तौर पर यूज कर सकते हैं। ये इसका लुक है। फॉग लैंप ऑन कंडीशन में कार का नाइट लुक। हेडलैंप ऑन कंडीशन में कार का नाइट लुक। हजार लैंप ऑन कंडीशन में कार का नाइट लुक। हेडलाइट ऑफ कंडीशन में बैक साइड से कार का ब्रेक लाइट व्यू। हेडलाइट ऑन कंडीशन में बैक साइड से कार का ब्रेक लाइट व्यू। रिवर्स लाइट ऑन कंडीशन में कार का नाइट लुक। इस कार के बूट में भी लाइट प्रोवाइड की गई है, ताकि रात में सामान रखने में कोई परेशानी ना हो। हमारी चैनल पे कार के सभी वीडियोस में आपको इल्यूमिनेशन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपकी या आपकी होने वाली कार में ड्राइवर और पैसेंजर्स एक्सट्रीम डार्क कंडीशन में यानी अंधेरे में कार के सारे स्विचेस को देख पाएंगे या नहीं, ये बताने की कोशिश हमने की है। ये कार का ड्राइवर साइड का डोर है, जिसमें केवल ड्राइवर साइड विंडो कंट्रोल के स्विच में इल्यूमिनेशन प्रोवाइड किया गया है। ये हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल, ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर,
ये सेंटर कंसोल और एसी के कंट्रोल। वीएक्सआई मॉडल में केवल कार के एक स्विच में ही इल्यूमिनेशन प्रोवाइड किया है, बाकी कार के को ड्राइवर साइड और पैसेंजर डोर्स में किसी भी स्विच में इल्यूमिनेशन नहीं है।